हाय फ्रेंड्स, मैं मुनेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के जो हमारा WBC पार्ट रह गया है, WBC और प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, उसके बारे में। पिछली वीडियो में बात की है हमने RBC की। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है या SSC MTS UPSI कोई भी एग्ज़ाम एक दिवसीय निकाल देखना है या देना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल द टाइम्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं WBC और ब्लड प्लेटलेट्स की। WBC क्या होती है? जैसे WBC है तो WBC का जीवन काल कितना होता है, मतलब कितने दिन का जीवन काल होता है इसका, इसका निर्माण कहाँ होता है और मृत्यु कहाँ होती है। बात करें WBC की, जैसे जो हमारा मानव रक्त होता है तो मानव रक्त में WBC की संख्या कितनी होती है। आगे बात करें हम WBC का अन्य नाम, यानी WBC को और किस नाम से जाना जाता है। हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको वही बताए जाएंगे, कोई आपको गलत नहीं बताया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। WBC जो होता है हमारा, WBC के कार्य क्या क्या हैं और WBC की कमी या अधिकता से क्या क्या रोग होते हैं, मतलब कौन जो रोग होंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे जो हमारे ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके क्या कार्य होते हैं, उनका जन्म कहाँ होता है और मृत्यु कहाँ होती है, हमारी मानव रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। आगे बात करने वाले हम प्लेटलेट्स में रुधिर स्कंदन की, यानी रुधिर का थक्का कैसे बनता है। अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ 1 से 2 मिनट के अंदर ब्लड जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वहाँ थक्का जम जाता है। तो वही बात करेंगे हम कि रुधिर का थक्का कैसे बनता है, और अगर रुधिर का थक्का जो बनता है उसे बनाने में 3 स्टेप ऐसे काम करते हैं रुधिर का, तब जाके कहीं थक्का बनता है। तो वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो अंत तक देखें। जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, उसे हम एक अन्य नाम ल्यूकोसाइट से भी जानते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिका। ल्यूको मतलब सफ़ेद। आपने देखा होगा कि कहीं अगर किसी, जो लोग कहते हैं कि सफ़ेद खून किसी के ऊपर चढ़ रहा है, या मतलब चढ़ाया जा रहा है सफ़ेद खून, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सुना होता है या नहीं सुना होता है, तो वही बात करने वाले हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त क्या होता है। तो हमारा जो WBC होता है, WBC उसका जो जीवन काल होता है, पहली बात करें हम जीवन काल की, उसका जो जीवन काल होता है वो 13 से 15 दिन का होता है, 13 से 15 डेज किसका, WBC का जीवन काल। अच्छा, कहीं कहीं ऑप्शन में 2 से 4 दिन भी आता है। अगर ऑप्शन में 2 से 4 दिन है, 2 से 4 दिन, तो आपको यह टिक करना है। अगर 2 से 4 दिन नहीं है ऑप्शन में तो 13 से 15 दिन लगाना है, और जो ओरिएंटेड जो होता है वो हमारा 13 से 15 डेज का होता है। बात करें जो जीवन काल 13 से 15 दिन का होता है, और जो हमारा जन्म होता है WBC का, जन्म होता है हमारा YBM में। किसमें? YBM। YBM क्या होता है? YBM होता है हमारा येलो बोन मैरो। यह YBM येलो बोन मैरो, यानी पीत अस्थि मज्जा जो हमारा होता है। आगे बात करें हम मृत्यु की, मृत्यु अगर इसका जीवन काल 13 से 15 दिन का होता है और इसका जन्म YBM येलो बोन मैरो में होता है, तो मतलब 13 से 15 दिन के बाद अगर इसकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु जो होती है वो मृत्यु होती है पिलिया में। मृत्यु किस में होती है हमारी? पिलिया में। किसकी मृत्यु बात कर रहे हैं हम? WBC की। आगे देखें, WBC जो होता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? WBC को एक अन्य नाम ल्यूकोसाइट से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स से भी WBC को जानते हैं, इसका अन्य नाम है। अब बात करें हम WBC का कार्य क्या है, तो WBC का जो कार्य है, जो ये हमारी प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की जो प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करती है। और दूसरी बात करें, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती और शरीर को
शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है या शरीर को रोगों से कौन बचाता है, या शरीर जो हमारा रोगों से सबसे ज़्यादा अगर लड़ता है, अब जो रोगों के प्रति सक्रिय रहता है तो वो कौन रहता है। तो हमें आपको ध्यान रखना है, जो WBC होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। WBC का कार्य होगा। आप बात करें WBC जो होती है उसके कई प्रकार होते हैं, WBC के कई प्रकार होते हैं, प्रकार देखेंगे हम। और अभी बात करें कि अगर WBC की कमियां अधिकता से क्या शरीर में हमारे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो हाँ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। किससे? अगर जो हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाए, WBC की संख्या बढ़ जाए, तो हमारे शरीर में एक रोग सुना होगा आपने, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर सुना होगा जिसे हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। तो जो WBC होती है, WBC की अगर संख्या बढ़ जाए, WBC की संख्या बढ़ जाए, बढ़ जाने से व्यक्ति के लिए एक रोग होता है जिसे बोलते हैं ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर। कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकीमिया, जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। बहुत ही घातक बीमारी है। WBC की संख्या बढ़ जाने से एक रोग हो जाता है जिस रोग का नाम है ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर रोग हो जाता है। और जो हमारी WBC होती है उसकी संख्या जो होती है, WBC की संख्या मानव शरीर में जो होती है वो 5000 प्रति mm³ होती है, यानी प्रति मिलीमीटर क्यूब में, प्रति मिलीमीटर क्यूब में कितनी होती है संख्या? 5000 WBC होती है प्रति मिलीमीटर क्यूब में। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, आगे देखने वाले हम WBC के प्रकार कौन कौन से हैं। तो WBC के कई प्रकार हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, देखेंगे WBC के प्रकार। तो हमारी जो WBC होती है वो दो प्रकार की होती है। WBC के दो प्रकार हैं, कौन से? एक तो होता है ग्रैन्यूलोसाइट, कौन सा होता है? ग्रैन्यूलोसाइट्स। और जो हमारा दूसरा प्रकार होता है वो आयरन्यूलोसाइट होता है, कौन सा? आयरन्यूलोसाइट्स। अब बात करें कि जो हमारा ग्रैन्यूलोसाइट और आयरन्यूलोसाइट होता है ये क्या होते हैं, तो जो हमारा ग्रैन्यूलोसाइट होता है वो हमारी कणिका विहीन, मतलब कणिकायुक्त WBC। WBC दो तरह की होती है, कौन सी? एक तो कणिकायुक्त यानी ग्रैन्यूलोसाइट, और दूसरी आयरन्यूलोसाइट यानी कि कणिकाविहीन। कौन सी? कणिकाविहीन WBC, कणिकाविहीन। एक हमारी कणिकायुक्त WBC होती है, एक कणिकाविहीन WBC होती है। अब बात करें हम कणिकायुक्त WBC कौन सी होती हैं और कणिकाविहीन WBC कौन सी होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा और साथ में नोट करते जाइए। जो हमारी कणिकायुक्त WBC होती हैं वो हमारी तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? उसमें हमारा तीन प्रकार होता है। नंबर एक इसियानोफिल्स, जो हमारे पूरे ब्लड का, इसियानोफिल्स जो होता है वो हमारे पूरे ब्लड का 1-4% भाग होता है इसियानोफिल्स का। दूसरा जो कणिकायुक्त का जो दूसरा भाग होता है वो होता है हमारा बेसोफिल्स, कौन सा होता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कितना होता है? बेसोफिल्स की बात करें तो ये संख्या में सबसे कम यानी 0.5% होती हैं। और तीसरा हमारा होता है एक न्यूट्रोफिल्स, कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अभी ध्यान से नहीं देखा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखते जाइए। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं हमारी वो 50-70% यानी सबसे ज़्यादा भाग होता है न्यूट्रोफिल्स का। बात करें हमारी जो कणिकाविहीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कणिकाविहीन, तो हमारी कणिकाविहीन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कणिकाविहीन नंबर एक मोनोसाइट, सुना होगा आपने, अगर पढ़ा होगा तो शायद दिमाग में या माइंड में कुछ इमेज भी बन रही होगी। और दूसरी जो हमारी होती हैं वो होती हैं लिम्फोसाइट्स, कौन सी? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट, सुना होगा आपने, एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब हम बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो हमारी जो टी लिम्फ, ये हाँ संख्या देखेंगे इनकी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो देखेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मोनोसाइट 1-6% होती हैं और लिम्फोसाइट 25
33% भाग होता है पूरे ब्लड का, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, कौन सी, कड़का विहीन का। बात करें हम लिम्फोसाइट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये होती क्या है, ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उनका उनका निर्माण होता है थाइमस ग्रंथि में, निर्माण टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है हमारा थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्रंथि सुनी होगी आपने, थाइमस ग्लैंड में। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में, और बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो में, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों का, एक का निर्माण थाइमस ग्लैंड में और दूसरे का निर्माण बोन मैरो में। बात करें इनका कार्य क्या होता है, किनका, जो हमारी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है, तो हमारा इनका कार्य जो होता है, एक आपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक एंटीबॉडी प्रोटीन बताया था, कौन किस में, प्लाज्मा में जब पढ़ाया था तब एक एंटीबॉडी प्रोटीन बताया था, तो उस एंटीबॉडी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, इनका कार्य है ये एंटीबॉडी प्रोटीन का, एक एंटीबॉडी प्रोटीन होता है हमारे खून में, पढ़ाए एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी, तो जो एंटीबॉडी जो प्रोटीन होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी का निर्माण क्या, कौन सी करती हैं, टी और बी जो लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, इनका निर्माण टी लिम्फोसाइट का थाइमस ग्रंथि में, बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। अब बात करें हमारी ये एसियानोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो बात करेंगे इनके कार्य की, तो हमारी जो एसियानोफिल्स जो होती हैं, एसियानोफिल्स ये क्या करती हैं, जो हमारा बाहरी वातावरण है, जो हम बाहरी वातावरण से जूझ रहे हैं, मतलब जैसे अगर बाहर ठंड पड़ रही है तो हमारे शरीर अंदर से गर्म होता है, अगर बाहर गर्मी है तो हमारा शरीर मतलब अंदर से कुछ ठंडा या जो वातावरण के प्रति संवेदनशील जो होती है, जैसे हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के प्रति अगर संवेदनशील होती हैं तो वो होती हैं एसियानोफिल्स, WBC क्या होती हैं, ये वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ये वातावरण के प्रति, ये वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वातावरण के प्रति कौन सी WBC संवेदनशील होती हैं, तो आपका ध्यान रखना है जो हमारी एसियानोफिल्स होती हैं वो हमारे वातावरण के प्रति हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, अत्यधिक संवेदनशील होती हैं वातावरण के प्रति। और हमारे एसियानोफिल्स अगर हमारे WBC में, ब्लड में एसियानोफिल्स की अगर इनकी कमी आ जाए तो व्यक्ति को एक रोग होता है जिस रोग का नाम होता है एसियानोफीलिया। कौन सा रोग हो जाता है, एसियानोफीलिया। नोट करते जाइए साथ में। अच्छा, एसियानोफिल्स की कमी से रोग क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो एसियानोफीलिया नामक रोग हो जाता है, और ये हमारी वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। कौन सी होती हैं, एसियानोफीलिया। अब बात करें हम बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स का क्या काम है देखते हैं। जो हमारी बेसोफिल्स होती हैं, आपको एक प्रोटीन पढ़ाया था, एक हिस्टामिन, कौन सा प्रोटीन, हिस्टामिन। तो हमारी जो बेसोफिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनका काम है ये हिस्टामिन नामक प्रोटीन को, ध्यान से समझिए, ये हिस्टामिन नामक प्रोटीन को बेसोफिल्स हमारी क्या काम है, ये हिस्टामिन नामक प्रोटीन को नियंत्रित करती हैं, इनका कार्य हिस्टामिन नामक प्रोटीन से ही होता है। और ये हिस्टामिन नामक प्रोटीन मतलब इसकी कमी से, इसकी अगर कमी हो जाए या इसकी अधिकता हो जाए किसकी, बेसोफिल्स की, तो हमें रोग कौन सा होता है, तो वो रोग देखेंगे, अगर बेसोफिल्स की अगर हमें कमी हो जाए तो एक रोग सुना होगा आपने, एलर्जी। कौन सा रोग, एलर्जी। जो एलर्जी का उदाहरण जो है वो बेसोफिल्स से है, बेसोफिल्स की कमी या अधिकता से हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, एलर्जी नामक। अब बात करें हम कड़का युक्त जो है उनमें न्यूट्रोफिल्स, कौन सी बची हमारी, न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो हमारी जीवाणु भक्षी कोशिका होती हैं, जीवाणु भक्षी मतलब हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं, अगर हमें, हमने देखा अभी कि रोगों से लड़ने की क्षमता से कौन बचाता है हमें, तो WBC बचाती हैं, जब WBC रोगों से लड़ने की क्षमता को बचा रही है तो जीवाणुओं को भी मारेंगी, विषाणुओं को भी मारेंगी। तो जो जीवाणु न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं हमारी, ये जीवाणु भक्षी यानी जो हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करती हैं, कौन सी कोशिका, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, नोट करके लिखिए, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं,
न्यूट्रोफिल्स हमारी जो होती हैं ये जीवाणु भक्षी कोशिका होती है। न्यूट्रोफिल्स कौन सी होती हैं? ये जीवाणु भक्षी कोशिका, ये जीवाणु भक्षी कोशिका होती हैं। हमारी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो हमारी जीवाणु भक्षी कोशिका होती हैं। बात करें देखो इसियानोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तीनों आपको बता दिए हैं, नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। अब बात करेंगे हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट के बारे में आपको बता दिए, दो प्रकार के टी और बी, इनके निर्माण बता दिए और कार्य बता दिए। बात करें हम मोनोसाइट्स की, तो जो हमारी मोनोसाइट्स जो होती हैं, मोनोसाइट्स जो कड़का भेन में आयरन यूलोसाइट में मोनोसाइट का करती क्या करती हैं, हमारी मोनोसाइट जो होती हैं मतलब रोगों से तो ये सारी लड़ती हैं, रोगों से सारे प्रकार लड़ते हैं, लेकिन जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं ये जीवाणु, ये भी जीवाणु भक्षी कोशिका होती हैं। मोनोसाइट्स ये मोनोसाइट। अब बात करें कि जीवाणु भक्षी, आपको अभी अभी बताया कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो भी जीवाणु भक्षी कोशिका होती हैं, अभी बताया कि मोनोसाइट्स होती हैं वो भी जीवाणु भक्षी कोशिका होती हैं, लेकिन मतलब क्या है इनका, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो स्थिर रहकर जीवाणुओं को मारती हैं अगर उनके पास जीवाणु आते हैं, और जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स हमारी जो होती हैं उनका क्या काम है, तो हमारी मोनोसाइट्स का काम है ये शरीर में जाकर जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, शरीर में जाकर मतलब ढूंढ ढूंढ जीवाणु जो हमारे शरीर में होते हैं उनका ढूंढ ढूंढ कर भक्षण करना। मोनोसाइट्स ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में भ्रमण करके, भ्रमण लिखो, ये हमारे शरीर में भ्रमण करके जीवाणुओं का भक्षण करती है, ये हमारे शरीर में भ्रमण करके जीवाणुओं का भक्षण करती है। कौन सी? मोनोसाइट्स। आपको लिम्फोसाइट बता दी, अगर आपने नोट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इनमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बताया गया आपको जो एग्जाम में नहीं आया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। आपको संख्या बता दी, WBC आपका कंप्लीट है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स, WBC आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उसका जीवन काल कितना होता है, बात करें जीवन काल की, तो इसका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, 7 दिन का होता है। और इसका निर्माण जो होता है, निर्माण कहाँ होता है, बात करें निर्माण की, तो निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा। और जो हमारी इसकी मृत्यु होती है किसकी, प्लेटलेट्स की, वो मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु होती है यकृत बा प्लीहा में, यकृत व प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। बात करें इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या, तो हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स है, मानव रुधिर में ब्लड प्लेटलेट्स की जो संख्या पाई जाती है वो 300,000 प्रति MMQ पाई जाती है, 300,000 प्रति MMQ संख्या पाई जाती है। जीवन काल, निर्माण और मृत्यु देख ली हमने। अब बात करें जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनका कार्य क्या होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका कार्य होता है हमारा रुधिर का स्कंदन करना। कार्य क्या होता है इसका, कार्य होता है रुधिर का स्कंदन, रुधिर का स्कंदन। और जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं इनमें, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ब्लड प्लेटलेट्स में। अब बात की हमने कार्य क्या है ब्लड प्लेटलेट्स का, तो ब्लड प्लेटलेट जो हमारी होती हैं उनका कार्य है रुधिर का स्कंदन, यानी रुधिर का स्कंदन कार्य, तो रुधिर का बात करें हम, रुधिर के स्कंदन की, रुधिर का स्कंदन कैसे होता है, रुधिर का स्कंदन थक्का जमना, तो हमारे रुधिर का जो स्कंदन होता है उसके हमारे 3 स्टेप होते हैं, कितने, 3 स्टेप। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं हमारे, नंबर 1 थ्रोम्बो, 1 प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और हमारा एक दूसरा होता है, कौन सा होता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो प्लास्टिन प्लस, इधर देखिए इधर, नंबर 1 पहला स्टेप जो होता है थ्रोम्बो प्लास्टिन होता है हमारा, थ्रोम्बो प्लास्टिन प्लस, थ्रोम्बो प्लास्टिन के साथ मिलता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, 2 प्रोटीन मिलते हैं, 1 थ्रोम्बोप्लास्टिन 1 प्रोथ्रोम्बिन, और ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम
प्लस विटामिन के, कैल्शियम प्लस विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम प्लस विटामिन के की सहायता से एक प्रोटीन बनाते हैं थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं ये। अब हमारा दूसरे स्टेप में क्या होता है, देखिए हमारे जो रुधिर का थक्का जमता है वो तीन स्टेप में, नंबर एक सबसे पहले होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम और विटामिन के की सहायता से मिलकर बनाते हैं थ्रोम्बिन। दूसरा हमारा होता है एक थ्रोम्बिन, जो हमारा अब थ्रोम्बिन बन गया, अब थ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर, किसके, फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन, थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया कर मतलब मिलकर एक बनाते हैं फाइब्रिन, किसका, फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। और हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, जो फाइब्रिन होता है, क्या होता है फाइब्रिन जो हमारा होता है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन मतलब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन के लिए बनाते हैं। फिर हमारा फाइब्रिन, फाइब्रिन जो हमारा होता है हमारा रुधिराणुओं के साथ मिलकर, फाइब्रिन रुधिराणुओं के साथ मिलकर, रुधिराणु किसके, रक्त यानी रुधिराणुओं के साथ मिलकर फाइब्रिन हमारा बनाता है रुधिर जम जाता है, यानी रुधिर का थक्का बन जाता है। रुधिर का थक्का बनाने में कितने, तीन स्टेप काम करते हैं, तीन स्टेप कौन कौन से, नंबर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर कैल्शियम और विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। आगे जो हमारा थ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं, और फाइब्रिन रुधिराणुओं के साथ मिलकर यानी रुधिरों के रुधिर के अणुओं के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बनाते हैं, रुधिर जम जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ग्रुप डी UPSI UPP कांस्टेबल SSC MTS किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको प्रॉपरली वीडियो प्रोवाइड करें।